ये तैयारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही है, जो कि बेहद जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का आतंक हम सब ने देखा था कि किस तरह से लोग बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे। ना तो लोगों को अस्पतालों में जगह मिल रही थी, ना ही बेड। कोरोना की तीसरी आने वाली संभावित लहर के मद्देनजर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 100 बेड का सभी सुविधाओं से लैस फैब्रिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार होना शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रणवीर पुनिया का कहना है कि अगले महीने 15 अगस्त तक ये फैब्रिकेटर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। हरियाणा प्रदेश में ये अपने आप में पहला नया प्रयोग होगा। टाटा स्टील कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को उपायुक्त महोदय ने मंजूरी दी कि क्यों न हमारे पास ये खाली जो जगह पड़ी है, यहाँ पर एक परी फैब्रिकेटेड 100 बेड के आसपास की स्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको हम उपयोग में ले सकें। उसमें टाटा स्टील ने अपने जो प्री फैब्रिकेटेड केबिन्स हैं वो ऑलरेडी तैयार काफ़ी संख्या में कर दिए हैं, कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इस अस्पताल के मैदान में जो खाली पड़ा था, इसमें उन्होंने केबिन्स को लगाना भी शुरू कर दिया है। ये करीबन 20 साल के आसपास, जैसा कि टाटा स्टील्स के अथॉरिटीज ने बताया है, 20 साल तक की स्ट्रक्चर 20 साल तक ये काम करती है, प्लस में मेंटेन करते रहो तो और भी लंबे समय तक ये काम कर सकती है। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बाकी अस्पतालों में भी बेड बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब तीसरी लहर को देखते हुए उपायुक्त महोदय के निर्देशन में कल जो मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से सारी स्थिति को एनालाइज किया गया है, पहले तो कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें फर्दर अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बेड मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो इसमें जो दूसरी वेव जब आई थी, उसी समय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया था कि हमें बेड मैनेजमेंट के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, जिसमें हमने छायसा मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जल्दी शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए फरीदाबाद प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है ताकि आने वाले खतरे से बचा जा सके। लेकिन अगर हम और आप मिलकर कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो शायद कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। इसलिए जरूरी है मास्क पहने और सुरक्षित रहें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।